गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हरियाणा भूमि। आज दोस्तों हम डेली करंट अफेयर में 9 अगस्त 2020 के जो टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? दोस्तों इसका जो आंसर है वो है 8 अगस्त। कब मनाई गई है? 8 अगस्त। ये भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी। इसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नाम से जाना जाता है? अगस्त क्रांति। और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के 2 गाँवों को सुनामी तैयार मान्यता मिली है? दोस्तों किस राज्य के 2 गाँवों को, ओडिशा राज्य के 2 गाँवों को सुनामी के लिए बताया गया है कि इस 2 गाँवों में सुनामी कभी भी आ सकती है। तो उड़ीसा राज्य की बात है तो उड़ीसा राज्य की राजधानी कौन सी है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा राज्य के जो मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट है इसमें, उड़ीसा व्हीलर द्वीप का जो उड़ीसा राज्य में है उसका नया नाम क्या कर दिया? APJ अब्दुल कलाम द्वीप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उड़ीसा जो हाई कोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश हैं वो है मोहम्मद रफ़ीक हैं। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक हैं। उड़ीसा राज्य में मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल चलाई गई है। दोस्तों हीरो टू एनिमल अवार्ड जी पेटा के द्वारा दिया जाता है। किसे दिया है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री को दिया है, नवीन पटनायक को दिया है। फिर है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है और आता भी है, चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा राज्य में है। इसमें सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा राज्य में, सतकोशिया टाइगर रिजर्व भी कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। दोस्तों पीले रंग का जो कछुआ पाया गया था वो कहाँ पे पाया गया? उड़ीसा राज्य में पाया गया पीले रंग का कछुआ। उसके साथ ही उड़ीसा राज्य में मधु बाबू पेंशन वितरण योजना में ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया है। जो मधु बाबू पेंशन वितरण योजना है उसमें ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है। उसमें उड़ीसा राज्य ही कालिया योजना और बलराम योजना किसानों के लिए उड़ीसा राज्य में चलाई। कालिया योजना, बलराम योजना किसानों के लिए, ये योजना किस राज्य में चलाई गई? उड़ीसा राज्य में। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कैश्यू इंडिया ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों ये कैश्यू इंडिया जो ऐप है किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? कर्नाटक राज्य सरकार ने लॉन्च की है। हम बात करते हैं कर्नाटक राज्य की। कर्नाटक जो राज्य, इसकी राजधानी क्या है? बेंगलोर है। और जो कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? BS येदियुरप्पा हैं। और कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो वज्जू भाई वाला हैं। दोस्तों कोरोना वॉच ऐप किस राज्य ने लॉन्च की थी? ये कर्नाटक राज्य ने लॉन्च की थी। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे फोरम कर्नाटक के हुगली में बनाया जा रहा है। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे फोरम है, प्लेटफॉर्म, कर्नाटक के हुगली में बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मास्क दिवस जो अभी कोविड-19 की वजह से मुंह पर मास्क लगाए जा रहे हैं, तो मास्क दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 18 जून को। और किस राज्य में मनाया गया था? कर्नाटक राज्य में मनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हाल ही में काउज 2020 अभ्यास किस देश में आयोजित किया गया है? काउज जो है ये अभ्यास है, एक्सरसाइज किस देश में की गई? दोस्तों रूस में की गई है, रूस देश में। ठीक है, जो काउज अभ्यास है दोस्तों ये है बहुपक्षीय अभ्यास है। इसमें लगभग 18 देशों ने मिलकर अभ्यास किया है, इसमें हमारा भारत देश भी शामिल है। अब बात करते हैं रूस की। रूस की राजधानी कौन सी है? मास्को। और मुद्रा है रशियन रूबल, रूस की मुद्रा है। और जो रूस के राष्ट्रपति को है? व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों, और व्लादिमीर पुतिन है। भारत और रूस के बीच जो एक्सरसाइज होती है अभ्यास, इंद्र अभ्यास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का ही बनता है इसका ना। भारत और रूस के बीच अभ्यास कौन सा? इंद्र अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन
कक्षाएं शुरू करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है दोस्तों। इस राज्य महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक। तो दोस्तों हम बात करते हैं ऑनलाइन कक्षाओं की। किस राज्य सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया? महाराष्ट्र राज्य सरकार ने समझौता किया। तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की जो राजधानी है कौन सी है? मुंबई है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं वो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपंकर दत्ता हैं। दोस्तों मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करने वाला महाराष्ट्र प्रथम राज्य बना था, ठीक है। और लावड़ी नृत्य कहाँ का फेमस है? महाराष्ट्र का है। और लोणार झील है कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ये इस झील का पानी कैसा हो गया था? गुलाबी हो गया था, इसके जिसके कारण ये अभी फेमस है। लोणार झील इसका पानी है वो गुलाबी रंग का हो गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है? दोस्तों किस देश ने किया? चीन देश ने तजाकिस्तान के आधे हिस्से पर अपना दावा किया है। चीन देश ने तजाकिस्तान देश 45% हिस्से पर अपना दावा किया है दोस्तों। अब बात करते हैं तजाकिस्तान की, इसकी राजधानी क्या है? दुशांबे है। और तजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है दोस्तों? इमोमाली रहमान है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो दोस्तों इसका आंसर दिल्ली जो राज्य सरकार है उसने लॉन्च की है। दोस्तों दिल्ली की बात करते हैं, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया था? दिल्ली में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पे खोला गया? दिल्ली में। घर घर राशन योजना भी की शुरुआत भी कहाँ से हुई थी? दिल्ली में। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? अरविंद केजरीवाल हैं। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? अनिल बैजल हैं। नेक्स्ट है, 2021 में ICC T20 विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों इसका आंसर है भारत, अपना देश भारत करेगा 2021 में ICC T20 विश्व कप की मेज़बानी। ICC की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसलिंग, इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय इसका दुबई में है। और उसके CEO कौन है? ICC के मनु सहानी हैं। और अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? इमरान ख्वाजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? दोस्तों PS रानी पसे को नियुक्त किया गया है। ये हैं PS रानी पसे। CRPF की बात है, फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसकी जो स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 में हुई थी। मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय जो CRPF का है वो कहाँ पे दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका गुजरात राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात की जो राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? विजय रूपाणी है। और गुजरात के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आचार्य देवव्रत है। दोस्तों गुजरात में सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। उसके बाद है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। नल सरोवर झील कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है नीना राय ने। इम्पोर्टेंट है, हाल ही में अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक किसने लिखी है? नीना राय ने। दोस्तों ये आज के टॉप क्वेश्चन थे, और आज क्वेश्चन फॉर यू, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताना कमेंट्स में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल किसे मनाया गया है? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल कर दिए, उपराज्यपाल किसे बनाया गया है? इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। और हमारे फेसबुक ग्रुप हरियाणा भूमि, और टेलीग्राम ग्रुप हरियाणा भूमि, और यूट्यूब चैनल हरियाणा भूमि को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। आज के लिए सभी को धन्यवाद।